वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के व्लॉग में होने वाला ये है कि आज है संडे और आज है साल का पहला व्लॉग होने वाला ये। और आज है संडे 7 तारीख 7 जनवरी। तो वैसे तो बोर हो रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ सचिन के साथ जाते हैं, सचिन के घर जाते हैं पहले, तो क्योंकि उसको पिछली बार हम लोग जबलपुर चले गए थे मैं और रवि, तो वो आ नहीं पाया, तो वैसे ही वो किल्पा बैठा हुआ है। तो आज मैं सोच रहा हूँ सचिन के घर जाते हैं, मिलते हैं उससे और थोड़ा घूमने उमने निकल जाते हैं, खाते हैं पीते हैं ऐश करते हैं। आज का दिन, आज संडे भी है, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। और इस साल से मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि इस साल से हर संडे एक रेगुलर व्लॉग तो आएगा ही, और अगर मैं कहीं घूमने निकल गया तो हर हफ्ते के 2 व्लॉग आएंगे। तो गाइस कीप सपोर्टिंग, और आप अपनी फैमिली 200 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुकी है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और जो जो वीडियो देख लेता है कृपया लाइक कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर करिया करिए। चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ से सचिन भाई आ चुके हैं इन द हाउस। और सस्ते धनु रावत तो गाइस में फट रही है। और भाई कैसे? बढ़िया बढ़िया। तो मौसम हो रहा है बहुत खतरनाक, भोपाल का पूरा शिमला बन चुका है, लगता है बर्फ पड़ने। हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, गेड़ी मारने, और अभी बज रहे हैं 3। चलिए मिलते हैं आगे व्लॉग। जय श्री राम। निकल चुके हैं खटलापुरा से सचिन के घर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा हो रहा है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा ही कोहरा है। तो गाइज हम लोग खटलापुरा पे खड़े थे कि एक छोटा सा पपी आया और हमारे पास खेलने लगा, हम भी उसके साथ खेलने गए। बहुत ही प्यारा सा पपी था, आप देख ही सकते हैं कितनी मस्ती कर रहा है वो छोटा सा। उसका नाम है डेजी, किसी ने बताया था डेजी। तो अब हम लोग आ चुके हैं लेक पर, और काफ़ी टाइम के बाद आए लेक पर, और आज बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। इतनी धुंध है कि आपको बड़ा तालाब दिखेगा ही नहीं। अभी हम आपको उतर के बड़े तालाब का नज़ारा दिखाएंगे। इतनी धुंध हो रही है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। ये लड़कियां भी हमें नहीं दिख रही हैं जो आगे से आ रही हैं। और लेक पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, अभी धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैसा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भोपाल का, हाँ, घूमने के लिए। और लोग यहाँ पे अपनी थकान दूर करने आते हैं, और लड़के लड़कियाँ अपनी ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और लेक पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ पे देखिए आप कितना प्यारा मौसम हो रहा है यार, मौसम हो रहा है ऑसम, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अरे ये नहीं गाइस, मौसम। हेलो, हाँ, मेरी डील का क्या हुआ? मेरे 1 करोड़ की डील का क्या हुआ? अरे मैं नहीं जानता, मेरे को 50 पेटी चाहिए अभी के अभी। सचिन भाई बोलते हैं अरे सचिन भाई वो फोन तो रखो 2 मिनट। हाँ, वो अपनी लाइन का क्या हुआ चलने का? तुम बोल रहे थे चलना है। तुम हमें तो ले नहीं गए, हमारी चोट कर दी अभी गए थे अपनी मौसी के यहाँ, ले गए तुम हमसे पूछा तुमने एक भी बार? अरे यार भाई वो एकदम रैंडम ट्रिप हो गया था भाई, अब क्या बताएं, रैंडम ट्रिप का पूछना चाहिए बस था। 2 घंटे पहले रिजर्वेशन कराया और फिर निकल गए थे उसी दिन। तो अब कब कहाँ की लाइन करनी है? अब तुम बताओ, तुम बोल रहे थे भाई भानगढ़ चलना है, भाई तुम्हें यहाँ घुमा दूंगा। भानगढ़ की लाइन या फिर अपन फरवरी में, 5 साल से तो चूतिया बना रहा, उत्तराखंड ले चलता हूँ, मेरा 25 कमरों का मकान है, मैं यहाँ भूत रहते हैं, वहाँ चुड़ैल रहती है, सपने में चुड़ैल आएगी, भाई बताओ ना, लेके चलो ना भाई। भूत और भगवान तो रहते ही उत्तराखंड में, तुम्हें स्टोरी नहीं मालूम। तुमसे बोला तो था 10-15 दिन चलने के लिए, लेकिन तुम तो डर गई। तुमसे एन वक्त में बोलो चलने के लिए, बोला था रिजर्वेशन करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, तुम्हारी पटके 4 हो गई, चार जगह तुम्हें चलना रहता है। सचिन भाई यहाँ ले चलो, सचिन भाई उत्तराखंड ले चलो, तुम्हारे दादाजी का घर है, ये घर है, वो घर है, और जब तुम्हें लेके जाओ तो तुम्हारी फटके 4 हो जाती है हर जगह जाने के लिए। कहाँ चल पाओगी तुम? चल पाओगी क्या भाई? अब तुम बोल रहे थे 10 दिन के लिए चलो, भाई अब तुम 6-7 दिन के लिए बोलते तो अपन चल भी देते, तुम बोल रहे थे भाई 10-15 दिन वहीं रहेंगे। नहीं तो जहाँ आने आने का रास्ता 3 दिन का है, वो 6 दिन में कैसे तुम होके आ जाओगे मेरे को ये बता दो। जहाँ आने जाने का ही रास्ता 6 दिन से आने जाने में लगते, भाई तुम्हारे गाँव नहीं जा रहे हैं बाड़ी बरेली जो सुबह का है और 4 घंटे पूरे। बाड़ी बरेली नहीं है भाई, हमारे तो यूपी में भी है, उत्तराखंड भाई, चलना वहाँ भी 10-1 दिन लग जाएंगे। 3 घंटे भाई आने जाने में लगते हैं, उसके बाद घूमने फिरने में तुम्हें बोला था भाई A to Z जगह घुमाऊंगा, पहाड़ वहाड़ A to Z जगह, तो वहाँ टाइम लगता है, शहर में थोड़ा घूम रहे अपन, हर जगह दुनिया लगते हैं। चला अभी ठंड वंड कम हो जाए फिर अपन प्लान बनाते हैं, अपन उत्तराखंड का प्लान, अभी का कम से कम 10 दिन, अभी तो भाई चलो
इस महीने नहीं तो अगले महीने चलो अपन चलते हैं जयपुर, एक काम करते हैं राजस्थान, एक काम करते हैं फरवरी लास्ट में अपने काम वाम भी निपट जाएंगे, शादी वादी हाँ। फ्रेंड के अपन 3 तारीख को शादी में भी चलना है, ठीक है, फरवरी लास्ट में अपन रिजर्वेशन करवा लेते हैं राजस्थान का, ठीक है ठीक है। अब अपन तो भाई सनातन ही लड़के हैं, सबसे पहले जयपुर में अपन जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरण महादेव, राधे कृष्ण, जयपुर में तो सबसे पहले अपन भाई जाएंगे तो मंदिर के अलावा किले वगैरह तो घूमेंगे, अपन को किला घूमना है, चित्तौड़गढ़ का किला घूमना है, नहीं वो वहां पर नहीं, जयपुर को बता रहा हूँ, अपना किला, आमिर पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, ठीक है, ये 2-3 जगह मेन मेन है, लेकिन एक जो मेन मंदिर है जो लोग वाग नहीं आते, जो है अपना एक मेन मंदिर कृष्ण जी का, जिनके हाथ में घड़ी बंधी है, और घड़ी पता है कौन सी है, जो नफ्स से चलती है, मतलब जिंदा लोगों के हाथों में चलती है, अच्छा। और वो मूर्ति के हाथ में, कृष्ण जी के हाथ में चलती है, अच्छा। और वो अंग्रेज ने देखने के लिए स्पेशल उस वक्त लाया था जब ये घड़ी ज्यादा हुआ नहीं करती थी, कि देखते हैं तुम्हारे भगवान में कहते हैं कि जाने जाने देखते हैं, तो उनने पहनाई थी और वो ही बहरा गया था, वो अच्छा। आज भी वो प्रथा है कि घड़ी वहां भी चलना है, देखो अपन को भानगढ़ चलना है, चित्तौड़गढ़ चलना है, जयपुर में घूमना है, और एक वहां पे कोई सा महल है, हवा महल, आमिर पैलेस है, तो 4-5 दिन तो अपन को वही हो जाएंगे, फिर अपन को चलना है खाटू श्याम, कैला देवी करौली वाली जो मेरी कुल देवी है, सालासर महाराज चलना है, और मेहंदीपुर बालाजी चल रहा है, तो टोटल अपने 10 दिन तो यही हो जाएंगे, आने जाने में 1 दिन, तो जाने में 1 दिन, आने में तो अपन को 9 दिन तो वो चाहिए, कम से कम 10-11 दिन का पूरा टूर करेंगे, और जहाँ घूमने की जगह होगी वहाँ घूमना करेंगे, और जहाँ दर्शन की जगह होगी वहाँ दर्शन करेंगे, दर्शन कर लेंगे, हाँ प्लान बनाते हैं, फिर अपन कुछ करते हैं, फरवरी आखिरी का डन कर लेते हैं, देखो तुम्हें तो चलना ही है, मुझे चलना है, अब एक और लचांड है अपनी, अब वो चलेगी तो ठीक है, जैसे जैसे नाम, अब है एक लचांड, वो जब वीडियो देखेगी तो उसको समझ में आएगी, पैसे कर लेगा तो ले चलेंगे, पैसे कर लोगे तो भाई लेके चलेंगे, सही बात, वरना भाई बैग उठाना पड़ेगा हमारा मेरा और सचिन का बैग उठा लेना, चलो देख लेते हैं फरवरी कितने तक का खर्चा आ जाएगा भाई, खर्चा मोटा मोटा मान के चलो 10-12 हजार, 10 से 12 का तो आ जाएगा आराम से, चलो 15 इकट्ठे कर लेते हैं, 15 के अंदर हो जाएगा, कुछ ना कुछ लाइन करते हैं, 15 के अंदर हो जाएगा, 15 में तो भाई 15,000 खर्चा आएगा, तो जो ये वीडियो देख रहा है अगर उसको भी चलना है हमारे साथ, जैसे हमारा प्लान है जयपुर जाने का, जयपुर राजस्थान, और बताई दिए हम लोग को कहाँ कहाँ जाना है, खाटू श्याम, करौली माता जी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, 12 जगह हम लोग जाएंगे, और 10 से 15 हजार का खर्चा है, जिसको भी चलना है वो तैयारी कर लेना, और जाएंगे फरवरी के लास्ट वीक में, और रिजर्वेशन करवा लेंगे हम, ताकि थोड़ी ठंड भी कम हो जाए, और इसी हफ्ते रिजर्वेशन करवा लेंगे, तो वीडियो देखने के बाद जिसको भी लगे कि चलना है वो साथ में चल सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है, नंबर डीएम कर देना मुझे, 8770432977 लड़कियां रात को 10 बजे के बाद फोन ना करें, और 6 बजे से पहले फोन ना करें, क्योंकि 10 के बाद 6 से पहले मैं उठा ही नहीं सकता, मैं सोया रहता हूँ, ठीक है, और भाई याद रखना पे करना पड़ेगा लड़कियों को भी, ये मत सोचो लड़कों को, लड़कियों को भी करना पड़ेगा, लड़कियों को तो रखते ही नहीं ना अपन भाई, लड़कियों को रखना होता अपने खर्चे, उनके टेंट्रम्स ही नहीं झेलते भाई अपन, फिर ठीक है, लड़कियों को तो झेलते ही नहीं भाई, लड़कियों को कैंसिल भाई, लड़कियों को कैंसिल, लड़के लड़के जाएंगे भाई, फिर उनको प्रोटेक्शन दो, फिर उनको सेफ्टी दो, सिक्योरिटी दो, अरे मुझे कोई टच कर रहा है भाई, हम क्या करें उसमें, हम क्या कर रहे हैं, यही देखते रहे राजस्थान में, यही देखते रहे भाई, भोपाल की बात आ गई, भोपाल एमपी में, अरे लड़कियों को ले आ भाई, बहुत ना करें उनके भाई, लड़कियों को तो ले आना ही नहीं है कहीं, आना ही नहीं, कैंसिल भैया, अब आप 15 करो, 30,000 करो, 1,00,000 करो, हमें मतलब नहीं, 1,00,000 तक तुम देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत हाँ अगर आप 50,000 1,00,000 रुपए कर लो तो हम ले चलेंगे, खुशी खुशी सब सब अरे फ्लाइट करवा देंगे, सब नुकरो नकरो कार उठा लूंगा मैं भाई अपनी, फुल टैंक करवा के मैं दौड़ते हुए चले आऊंगा राजस्थान, आप करो दो 50,000, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें, लेकिन लड़कियों की कैंसिल है भैया, लड़कियों का नहीं ले आ रहा है भाई, लड़के जो भी देख रहे हैं, जो भी अपने लड़के वीडियो देख रहे हैं, और जो लचांडे भी है ना, जिसको चलना है हकीकत में चलना हो, तो पैसे वैसे जोड़ना स्टार्ट कर देना अभी 2 महीने, और रिजर्वेशन वगैरह करा लेना, यू नहीं पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, मेरी गर्लफ्रेंड मना कर रही है, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो लेडीज हूँ, ये वाली हरकतें मत करना, गर्लफ्रेंड ही कौन सुनता है, गर्लफ्रेंड ही मना कर रही है, अरे गर्लफ्रेंड की तो मतलब पैरों में गिर जाते हैं बहुत सारे लोग, यस बेबी आपके पैरों में ही गिर जाता हूँ मैं, नहीं मम्मी पापा तो चलो ठीक है, एक बार आपने आदर करके मान लिया कि चलो मना कर रहे, गर्लफ्रेंड ही कौन सुनता है, अरे गर्लफ्रेंड के सामने तो लेट जाते हैं बिल्कुल, सही बात है, गर्लफ्रेंड बोलते नहीं जाते, क्या गर्लफ्रेंड बोलते, अरे मत जाना, ठीक है बेबी नहीं जाऊंगा, ओके, अरे भाई ये तो बहुत हंसी वाली बात हो गई यार, ऐसे बताओ अभी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई अभी उनके ये हाल है, शादी के बाद तो वो तो
खत्म फिर उनका तो खेल ही खत्म। ऐसे ऐसे लड़के भी इस दुनिया में, मैं पूरे बॉयज कम्युनिटी से माफी चाहता हूँ तहे दिल से, जो कि ये विक्रम भाई के पहचान के हैं, ऐसे ऐसे लड़के जो विक्रम भाई के पहचान में ऐसे लड़के, विक्रम भाई भी तहे दिल से माफी मांगते हैं बॉयज कम्युनिटी से, जो अपनी गर्लफ्रेंड की सुन के मना कर देते हैं कि गर्लफ्रेंड बोला नहीं जाना तो नहीं जाना, गर्लफ्रेंड ने बोला व्हाइट शर्ट नहीं पहनी तो व्हाइट शर्ट नहीं पहनी, गर्लफ्रेंड ने बोला नहाना नहीं तो नहाना नहीं, गर्लफ्रेंड ने बोला मेरे नाम की फोटो प्रोफाइल में लगा तो वही फोटो लगा दी, गर्लफ्रेंड ने बोला सांस नहीं ली तो सांस नहीं ली, दूसरे दिन हम मर्दी उठाने जा रहे हैं, ऐसे लड़के भी हैं। और दोस्तों के साथ फोटो नहीं डालेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो लगा देंगे टैटू के साथ की देखो मेरी फोटो है ऐसा। हाँ, दोस्तों के साथ कोलैबोरेशन नहीं करनी, दोस्तों के साथ फोटो नहीं डालनी, बिल्कुल लड़कियों के गुलाम। घूमने जाना मगर, हाँ घूमने जा सकते हैं आप ले चलो तो, आप ले चलो तो घूमने चले आएंगे। हाँ। लेकिन गर्लफ्रेंड वो बोल देगी जो बोलू मेरी नाम की फोटो लगाओ इंस्टा पे तो लगा देंगे, दोस्त के साथ फोटो और वीडियो नहीं लगाएंगे, उसमें कोलैबोरेशन भी रिमूव कर देंगे, ऐसे लचांडों को तो रखना ही नहीं चाहिए भाई। दोगलापन हुआ, ये तो दोगलापन है सरासर। और थोड़ा सा सचिन ने मुझे जो रोस्ट किया है उसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं, ये पहली बार क्या है ये स्मार्ट सिटी पार्क है, ये कौन सा एरिया है ये अपना दीपो चौराहा, यहाँ पे मेट्रो की एक रेल रखी हुई है वही देखने आए हम, मैंने तो पहली बार देखा है, जैसे सुना था। हाँ पहली बार देखा है भाई, भाई मैं तो आते आते रहता हूँ ना, मेट्रो की एक पूरी बोगी रखी हुई है यहाँ पर, तो ये है मेट्रो, मेट्रो के अंदर हम आ चुके हैं फाइनली, मेट्रो के अंदर आ चुके हैं। ये जिंसी 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 जहांगीर नवाज छब्बन छब्बन अशबाग, मैं बता दूं यहाँ पर 7 करोड़ के पेड़ तो लगा दिए लेकिन एक भी 10 लाख रुपए का एक आध टॉयलेट घर नहीं बनाया, जिससे वो बहुत टॉयलेट आ रही, टॉयलेट ही आ पा रहा के बाहर ठंड में देखो यार बहुत सुसु आई है, सुसु आई है, आई है सुसु आई है। तो गाइस भोपाल भ्रमण करने के बाद अब सचिन भाई गए हैं शर्मा चाइनीज पे, वो रहा शर्मा चाइनीज, तो हम लोगों ने शर्मा चाइनीज से मसाला डोसा और बटर पनीर नान ले लिया और हम बैठे हैं अटल पथ में, देख सकते हैं अटल पथ, और हम लोग अटल पथ पे बैठ के खा रहे हैं बढ़िया। चलिए हम खाते हैं, खाने के बाद बटर पनीर नान मसाला डोसा हम खा चुके हैं और मज़ा आ गया गाइस, पहली बार इतनी ठंड में अटल पथ पे बैठ के पैक करवा के, और बढ़िया हम लोग मौसम का भी आनंद ले रहे हैं और खा भी रहे हैं, और आज संडे था, मज़ा आ गया गाइस फाइनली, आज घूमने के बाद और खाने पीने के बाद मज़ा आ गया। शाम के बज रहे हैं 6, अब हम लोग घर निकल रहे हैं, तो व्लॉग पसंद आए तो बाकी आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट ट्रबल योर मॉम, भोपाली वॉइस व्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, कमेंट में लिखिए तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।